आप एग्जाम वगैरह दे दो, निम्मी से क्वेश्चन आए थे आपके, क्या बताए क्या बताइए। अच्छा आप दिए कि नहीं? जवान मरिया तो रोहित चले आएगी। इंद्रजीत, मेरा नाम इंद्रजीत है। ट्रेड कौन से है? पीटर। पीटर, तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिंटू कुमार है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? करण शर्मा। करण शर्मा, ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि 3 सितंबर को आईटीआई की सीबीटी एग्जाम यानी ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई है, जो नई एजेंसी के थ्रू है। तो बनारस जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पर हम लोग गए थे, 2 सेंटर पर गए थे, बच्चों से बातें करने की कोशिश की। तो उसके हिसाब से हमने जो एनालिसिस किया है कि प्रश्न कैसे पूछे हैं, ठीक है, कहाँ से पूछे हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं आप लोग, आसान है कि नहीं है, परीक्षा का जो समय है उसमें जितना समय दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पर उतना ही समय है, या उससे ज़्यादा समय दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। 8-10 मिनट की वीडियो ही पूरा देखना आपको। प्लस बच्चों से कुछ हमने बात भी की है, 1-2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोलना चाहा, तो उनकी भी वीडियो मैं आगे इसमें जोड़ दूंगा, जिसको आप देख पाएंगे और बच्चों से ही डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट वो बताएगा कि उसको एग्ज़ाम में क्या समझ में आया, कैसे क्वेश्चन थे, ये सब चीज़ें। प्लस हमने जो अपने लेवल पर कुछ स्टूडेंट से फ़ोन पर बात किया, कुछ मैसेजेस से बात किए हैं, तो जिनसे एक अंदाज़ा लगा है और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले सवाल तो ये है कि परीक्षा का समय, ठीक है, परीक्षा का समय मैं बता दूँ कि ये मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों से जब मिला, जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको जो है एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय मिला, ठीक है। जैसे जो बच्चे सुबह 9 बजे वाले शिफ्ट में एंट्री किए थे, उनकी छुट्टी 12 बजे हुई, और जो बच्चे 1 बजे दोपहर वाले शिफ्ट में एंटर किए थे, उनकी छुट्टी 4 बजे शाम को हुई, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना हो रहा है? 3 घंटे हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट के लिए। ये ऐसा क्यों हुआ? अब क्वेश्चंस की भी ऐसा मैं अभी बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चंस बता दूँ। जैसे जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं, उनके जो है ट्रेड थ्योरी से 40 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के, और 40 क्वेश्चन थ्योरी के थे, ठीक है, सेकेंड ईयर के बच्चों के। और फर्स्ट ईयर के बच्चों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 40 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के, प्लस 20 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं, ठीक है, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और ये जो सेकेंड ईयर की टाइमिंग है वो कम है आपका, 2.25 घंटे जो आपका लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर, लगभग वही है जो मुझे सेंटर्स पे पता चला है। और फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जा रहे हैं, इसलिए इनको समय भी ज़्यादा मिल रहा है एग्जाम सेंटर पर। कितना मिल जा रहा है? 3 घंटा, जबकि एडमिट कार्ड पर आपके लिखा होगा 2 घंटे 15 मिनट। तो ये मेरा अनुभव है, अगर ऐसा है, अगर आप भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपको 3 घंटा नहीं मिला है फर्स्ट ईयर में, तो नीचे वीडियो के कमेंट कीजिएगा, जिससे दूसरे बच्चों को अंदाज़ा लगेगा, प्लस हमें भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जगहों पर नहीं जा पाए थे, सिर्फ 2 सेंटर पर गए थे। तो ये हो गया टाइमिंग की बात, ठीक है। और क्वेश्चंस की संख्या भी मैंने बता दी कि कौन से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थ्योरी के 40, ये जो है आपको मैंने सामने लिख दिया, ठीक है। अब बात आ जाती है, मैं इधर इसको डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस का लेवल, बच्चों से मुझे पता चला कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बेसिक है, बहुत हार्ड या कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। जो बच्चे लगभग अगर 30-40% 50% भी पढ़ाई किए हैं, उनके लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ईजी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस क्वेश्चन, एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि क्वेश्चन हमने जो एक PDF दिया था, एक वेबसाइट पे मॉडल पेपर के नाम से PDF दिया था, मॉडल पेपर के नाम से PDF दिया था, वीडियो भी अपलोड किया था चैनल पर कि मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, हमने इसको दिया है, न्यू अपडेट का सेक्शन है, मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी बाद में। तो वहाँ पर मॉडल पेपर दिया था, मॉडल पेपर में हमने दिया था जो जनवरी फरवरी में CBT एग्ज़ाम हुए थे, जनवरी फरवरी में जो CBT एग्ज़ाम निम्मी ने कराया था, ठीक है, निम्मी ने कराया था, उसी का हमने मॉडल, मतलब उसी पेपर को, ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड किया था, जिसमें 40 थ्योरी के थे और उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 थे इस तरह से। तो
एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जो आपने मॉडल पेपर डाउन अपलोड किया है उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, और ये कौन सा था? ये मॉडल पेपर कोई अलग नहीं था, सीबीटी के पिछले निम्मी वाले जो क्वेश्चन थे उसी का एक सेट था। उस सेट में से उसे 10 क्वेश्चन मिले थे, सिर्फ एक सेट से, ठीक है। और स्टूडेंट है, उसने बताया कि उसे ट्रेड थ्योरी के, वो सिर्फ ट्रेड थ्योरी के जो निम्मी भारत स्किल्स या निम्मी के जो पीडीएफ हैं जो हम लोग वीडियोज में भी सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसने बताया कि सिर्फ वही पढ़ के गई थी और उसे 35 क्वेश्चन मिले थे 40 में से। टोटल थ्योरी के 40 क्वेश्चन हैं और सिर्फ वो थ्योरी की पढ़ के गई थी क्वेश्चन, जिसमें से उसको 35 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। ये एक गर्ल स्टूडेंट है जिसने बताया था कि उसे 40 क्वेश्चन मिले थे, किससे? निम्मी के जो क्वेश्चन बैंक है यानी भारत स्किल्स के जो क्वेश्चन बैंक है, बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, उसी से मिले थे। और एक और कैंडिडेट था जिसने ये बताया कि सर निम्मी से भी क्वेश्चन था प्लस बुक के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। उन्होंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि हमें, आपको पता है कि 500 क्वेश्चंस हम पढ़ के जाएंगे और कंप्यूटर पर अंदर एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जैक्टली हमें पूरा नहीं याद रहेगा कि ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। कर लोगे आप, पास भी हो जाओगे अच्छे नंबर से, फिर भी ये जज कर पाना कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन वहाँ आया था, टोटल 40 का 40, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक कैंडिडेट ने बताया कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमने जो ग्लोबल आईटीआई पे पढ़ाया है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहाँ पढ़े, फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट कुछ पूछ रहे थे। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके ग्लोबल आईटीआई पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो क्वेश्चंस वहाँ पर बताए समझाए पढ़ाए गए हैं, उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अभी आगे मैं बात करूँ तो जब हम लोग स्टूडेंट से बातचीत करने जा रहे थे, वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो किसी भी सेंटर पर बात करने के लिए बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे। क्यों? बहुत से बच्चों को तो निम्मी का नाम ही नहीं पता था। हमके निम्मी से क्वेश्चन आए थे, निम्मी ऐसा एक्सप्रेशन था। तो हालात ऐसे हैं कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो परसेंटेज है वो बहुत ही निराशाजनक थी। जो कैंडिडेट निम्मी का नाम नहीं सुना है वो कैसे आईटीआई एग्ज़ाम देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आज के टाइम पे जैसा कि लॉकडाउन रहा है पिछले साल, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पढ़ने वाले बच्चों में लगभग 90% बच्चे यूट्यूब से ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है, यूट्यूब से ज़रूर पढ़े होंगे। तो जब भी यूट्यूब पर अगर आप आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप ग्लोबल आईटीआई तक ना पहुँचे हों। गलती से ही सही एकाध वीडियो कभी न कभी तो देखे रहे होंगे, न्यूज अपडेट, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कुछ तो आप देखे होंगे, कभी सुने होंगे ग्लोबल आईटीआई का नाम। लेकिन सेंटर्स पे शायद 1% बच्चे ऐसे हों जो ग्लोबल आईटीआई को जानते थे। लोग जानते ही नहीं थे ग्लोबल आईटीआई क्या है, लोग ये नहीं जानते थे निम्मी क्या है, लोग ये नहीं जानते थे ग्लोबल आईटीआई क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे सिचुएशन में उनकी बातों पे ये आप मान लो कि निम्मी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ऐसा गलत है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे सही मिले जो पढ़े लिखे, उनके अंदाज़ा लग गया था हमें बातचीत से कि वो किस लेवल के तैयार थे, तो उनकी बातों से यही लगा। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि निम्मी के क्वेश्चन अगर आप रट कर जा रहे हैं, ठीक है, रट कर जा रहे हैं, तब आपके साथ थोड़ा सा धोखेबाजी हो सकती है। क्योंकि रटी हुई चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं, ऑप्शंस ऊपर नीचे बदल जाते हैं, लैंग्वेज बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर निम्मी के ही क्वेश्चंस अगर आप पढ़कर, पहले भी बोल रहा हूँ, पढ़कर समझकर जाएंगे, 100% अच्छा नंबर लेकर आप आएंगे। और ये कैसे कर सकते हैं? ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी ट्रेड की प्लेलिस्ट से ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं तैयार कीजिए। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा कि यार निम्मी के अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस अदर भी पूछ रहे हैं, तो उसी प्लेलिस्ट में पिछले साल की 2020-19 की वीडियोज भी हैं जो बेसिक हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पर पढ़िए आराम से प्लेलिस्ट में, और आराम से आप दोनों कर लेंगे, निम्मी और बेसिक जितना भी क्वेश्चन है। तो अगर आप इनको पढ़ के समझ के जाएंगे ना तो ये परीक्षा को पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और जितना भी पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर मौजूद है, फ्री है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए और
पढ़ाई कीजिए। उसके अलावा इसके वीडियो के आगे मैं अटैच करूंगा उन कैंडिडेट्स से जो हमने बातचीत करने की कोशिश की है, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है कि जिससे कि आपको फेल होने के लिए ज़्यादा वो कर दिया जाए, सब कुछ इजी गोइंग है। अगर आप सच में, मैं कह रहा हूँ ना, 35-40% पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, 100% नहीं भी हैं, तब भी पास होने की कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। और ऐसा ही लगा, और मुझे बहुत से लोग, हाँ लेकिन इस बार रिजल्ट बहुत बुरा भी आएगा, इस बार का रिजल्ट बहुत बुरा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि भैया 90% लोगों को निम्मी का नाम नहीं सुने हैं, 90% लोग ग्लोबल आईटीआई का नाम नहीं सुने हैं, तब तो भाई ये लोग समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ रहे थे ना, लगातार जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए, और आगे जो भी अपडेट्स आती है, क्योंकि आज है 4 सितंबर, आज एग्ज़ाम्स नहीं है, लेकिन कल एग्ज़ाम है, फिर आगे भी एग्ज़ाम है, 9 तक लगातार एग्ज़ाम है। तो जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जा रहा है वो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करते जाएं, जिससे कि अगले जो बच्चे हैं उनको सुविधा होगी समझने में, ठीक है। इस वीडियो में इतना नहीं है, इसके आगे भी अटैच्ड है वीडियो स्टूडेंट्स के, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से 1-2 लोग रेडी हुए बात करने के लिए, लोग बात ही नहीं करना चाहते थे, पता ही नहीं था वो क्या बोलेंगे। अगर हम पूछ देते उनसे कितने क्वेश्चन आए हैं तो शायद वही बता लेते, इसके अलावा क्या थ्योरी, क्या वर्कशॉप कैलकुलेशन, बहुत से लोगों को तो सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता होता, इस वजह से लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईटीआई की स्थिति बुरी क्यों है। चलिए आगे वीडियो देख लीजिए आप लोग। मेरा नाम इंद्रजीत है। ट्रेड कौन से है? पीटर। पीटर, कितने क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन आए थे सर 80%। अच्छा, और जो निम्मी से कुछ क्वेश्चन मैच हो रहे हैं? निम्मी से भी है, और ये मतलब किताब से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पुरानी वाली किताब से, नए वाली किताब से। तो क्वेश्चन का लेवल बेसिक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है? बहुत बेसिक है सर, बहुत बेसिक। सर जी ड्रिल से पूछा है, और ये हैमर ड्रिल पूछा है, और रिमिंग पूछा है, और लेथ से क्वेश्चन थे, लेथ मशीन से? लेथ मशीन से था, और इससे था, फाइलिंग से था, वैक्सिंग से था, हैंड टूल ज्यादा रहा होगा। हाँ सर, मतलब अगर कोई क्लास किया हो, मतलब थोड़ा बहुत 25% पढ़ा, बहुत हम पढ़े ग्लोबल आईटीआई से, मोबाइल निकाल देंगे सर, पूरा पूरा पढ़ डाले हैं। मतलब आपको चैनल से पढ़ने में फायदा मिला या नहीं? बहुत सर, बहुत हम बहुत बार पढ़े सर, कॉन्फिडेंस है पढ़ने का सर। सर हम यूट्यूब पे आईटीआई पढ़ते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई थ्योरी और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये सब क्वेश्चन केवल ग्लोबल आईटीआई से। चलिए हमको सर वो नहीं था कि मतलब आप लोग आ जाएंगे सर, दर्शन साक्षात दर्शन हो गए सर। बता दीजिए आपका नाम क्या है? करण शर्मा। करण शर्मा, ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन, हाँ ठीक है। तो आपने अभी एग्जाम दे के आप आ रहे हो ना? जी। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन 60 थ्योरी का, मतलब 40 थ्योरी और 3 वर्कशॉप कैलकुलेशन। अच्छा, 40 थ्योरी का, 20 वर्कशॉप कैलकुलेशन का ना, टोटल 60 रहे होंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिंटू कुमार है। ट्रेड कौन सी है? ट्रेड फिटर है। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। हाँ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आए थे? कुल 80 क्वेश्चन आया था, और थ्योरी से 40 और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 20, एम्प्लॉयबिलिटी से 20 और थ्योरी से 40। और कितने घंटे का पेपर था? 3 घंटे का पेपर था सर। पेपर 3 घंटे का है ना? ठीक है, चलिए। पेपर कैसा हुआ आपका? एवरेस्ट था, मतलब ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा? कठिन नहीं था। ठीक है, आप ग्लोबल आईटीआई से पढ़े थे? हाँ, ग्लोबल आईटीआई से पढ़े थे। आप कब से देख रहे थे? अब 6 महीना हो गया। अच्छा, 6 महीने हो गया, अभी आपका फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर का भी एग्जाम होगा? सेकेंड ईयर होगा। चलिए ठीक है, मेहनत कीजिए आगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम अजीत कुमार है। थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि माइक नहीं है ना। अजीत कुमार है। अजीत कुमार है, ठीक है। कौन सी ट्रेड है? फिटर। फिटर है, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर? नहीं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। एग्जाम कैसा हुआ आपका? एग्जाम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। आप पहले से ग्लोबल आईटीआई को जानते थे? पहले से ग्लोबल आईटीआई नहीं, हम जानने जानते थे। चलिए कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन आए थे? पूरे 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन थे ना। कितने घंटे का पेपर था? 3 घंटे। 3 घंटे का पेपर था, चलिए अच्छी बात है। बाकी पेपर ज़्यादा टफ था या आसान? आसान क्वेश्चन, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो काम बन जाएगा ना। हाँ।